स्किपिंग करने की वजह से मेरा वेट लॉस तो हो रहा था पर मेरा पेट कम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अपना रूटीन ही बदल दिया। क्योंकि चर्बी हमेशा शरीर के उस पार्ट में सबसे ज्यादा होना चाहती है जिस पार्ट में मूवमेंट सबसे कम होती है या सक्रियता सबसे कम होती है, और इसीलिए हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग चर्बी होती है। यदि तुलना करें तो हाथ पैर में ज्यादा चर्बी होती है कंपेयर टू सर, क्योंकि सर में सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है। दो सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमारे पेट में इतनी सारी चर्बी होती है। पहला कारण तो ये कि हम अपने पेट को मूव नहीं करते हैं जिसकी वजह से चर्बी यहाँ पे सेटल होती है। दूसरा कारण ये कि एक्सरसाइज न करने की वजह से या मूवमेंट न करने की वजह से यहाँ के मसल्स ढीले और स्टिफ होते हैं जिसकी वजह से उनका शेप ढीला ढाला और बेढंगा होता है। तो आपका प्लेट तो यदि आप अपने पेट की एक्सरसाइज करना नहीं भूलते हैं तो आपका पेट भी स्लीक और स्लिम दिखाई देने लग जाएगा, और यही नहीं आपके एब्स भी दिखाई देने लग जाएंगे। चार सिंपल तरीकों में आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो भी अपने घर के कंफर्ट में। सबसे पहला है कि खड़े रहकर लोड लेना। दूसरा तरीका है ऐसे लोड लेना कि पीठ आकाश की तरफ हो। तीसरा तरीका वो है कि ऐसे लोड लेना कि पीठ जमीन की तरफ हो। और चौथा तरीका है लटकना। आइए एक एक करके देखते हैं कि किस तरीके से किसको किया जाता है। रनिंग, मैं हर रोज 2.5 किलोमीटर से लेकर 3 किलोमीटर तक की रनिंग करता हूँ, कभी फास्ट तो कभी स्लो। मैं अपनी स्पीड बढ़ाता या घटाता रहता हूँ डिपेंडिंग अपॉन कि मेरे अंदर एनर्जी कितनी बची। फास्ट रनिंग कैलोरीज को बहुत ही तेजी से बर्न करता है, स्लो रनिंग बॉडी के अंदर एंट्रोपी डालता है। इसका मतलब फेफड़े, दिल और कैपिलरीज ये डेवलप होती है और लॉन्ग टर्म में वो बढ़ता है जिसे आप स्टेमिना कहते हैं। जब आप खड़े रहते हैं तब आपका शरीर इस पार्ट के ऊपर निर्भर रहता है कि आप सीधे खड़े रहें, मतलब आपका पेट या कोर एंगेज रहता है। कोर वो मसल्स होते हैं जो आपकी रीढ़ की जो हड्डी होती है उसको चारों ओर से घेरे रहते हैं। तूफान आ गया। तो जब आप खड़े पोजीशन में जंप करते हैं या फिर दौड़ते हैं जिसमें कंटिन्यूस छोटी छोटी बहुत सारी जंप होती हैं हर एक कदम पे, तो ऐसी सिचुएशन में आपके कोर को बार बार एंगेज और डिसएंगेज होना पड़ता है। नॉर्मली मैंने शाम का वक्त चुना है रनिंग करने के लिए क्योंकि काफ़ी गर्मी पड़ती है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो शाम को जब ठंडक हो जाती है तब मैंने दौड़ना पसंद किया। तो ऐसा करने की वजह से कई बार ऐसा हुआ कि शादी या फंक्शन में जाने की वजह से भी शाम की रनिंग कैंसिल हो गई, तो फंक्शन अटेंड करने के बाद मैंने वॉकिंग करना पसंद किया। कई बार आप ये देखेंगे कि वॉकिंग करना ज़्यादा अच्छा होता है। यदि आप फास्ट रन नहीं कर सकते तो स्लो रन कीजिए, स्लो रन नहीं कर सकते तो वॉकिंग कीजिए। रनिंग से लौट के आने के बाद नेक्स्ट थिंग आई डू इज पुशअप्स। आइडियली मेरा गोल है 100 पुशअप्स करने का, लेकिन अभी फिलहाल मैं सिर्फ 50 पुशअप्स ही कर पाता हूँ। पुशअप्स बेस्ट एक्सरसाइज है आपके आर्म्स, चेस्ट और बेली के फैट को बर्न करने का। यदि आप इन्हें रोज करते हैं तो आपकी अपर बॉडी स्ट्रॉन्ग और सुडौल दिखने लग जाएगी और साथ ही में आप फैट भी बर्न करेंगे। पुशअप्स की अलग अलग वेरिएशंस हैं जिसमें चेस्ट, अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, मिडल चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, इनको अलग अलग करके टारगेट किया जा सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट है सबसे कॉमन वाली स्लो पेस्ड पुशअप्स। समटाइम्स स्लो इज बेटर देन फास्ट। यदि अभी तक आप वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल वैसा होगा जैसे कोर को मजबूत करना। पुशअप्स के साथ कंजंक्शन में मैं क्रंचेस भी करता था सुपर सेट में। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, सुपर सेट। सुपर सेट क्या होता है, जिसमें आप एक एक्सरसाइज करते हैं उसमें जब थक जाते हैं तो दूसरी एक्सरसाइज करने लगते हैं विदाउट एनी रेस्ट, और फिर उस एक्सरसाइज को ख़त्म करके पहली वाली एक्सरसाइज पे जाते हैं एंड बैक एंड फोर्थ एंड बैक एंड फोर्थ। ये फैट बर्न करने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। इसमें मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि यदि मैं 10 पुशअप्स करता था तो 20 क्रंचेस का सेट करता था। बेसिकली मेरा गोल ये है कि यदि मैं 50 पुशअप करता हूँ तो 100 क्रंचेस करता हूँ, यदि मैं 100 पुशअप कर पाऊँगा तो मैं 200 क्रंचेस करूँगा। क्रंचेस करने के बाद मैं ये साइकिलिंग टाइप की कुछ एक्सरसाइज है जिसको मैं करता था। ये एक्सरसाइज आपके साइड वाले एब्स पे टारगेट करता है जिनको ऑब्लिक्स भी कहते हैं, साथ ही में ये एब्स के लोअर हिस्से पे भी ज़्यादा वजन डालते हैं। क्योंकि हम अपने पेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हमारा लोअर एब्स सबसे कमज़ोर होते हैं। इसके 2 से 3 सेट लगाइए एकदम कड़क होके, हर सेट या तो 20 कीजिए या उतने कीजिए जितने में आपका पेट जलने लगे। लट 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 सब कुछ करने के बाद मैं एक दीवार से जाके शांति से लटक जाता हूँ। इस पे लटकने का मेन रीज़न ये है कि मेरी अपर बैक और लोअर बैक मजबूत बने,
मेनली मैं ये अपनी लोअर बैक के लिए करता हूँ, क्योंकि रिसेंटली मेरे लोअर बैक में बहुत सारे इश्यूज आने लगे हैं। ज्यादातर काम हमें पूरे दिन कुर्सी पे बैठे बैठे करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो लुम्बर स्पाइन है वो घूम जाती है और पेल्विक टिल्ट होने लगता है, और इसी वजह से ये एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज ये कि ये हमारे लोअर एब्स में भी बहुत ही अच्छा असर डालता है। इसको 7 मिनट करने से ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरा करंट बेस्ट 36 सेकंड्स है, जो मैं एक साथ एक बार में कर पाता हूँ। इसीलिए 7 मिनट लगातार करने के बदले मैं 4 से 5 सेट या जितने सेट हो सके उतने करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं इसे ज़्यादा देर तक इसलिए नहीं कर पाता हूँ क्योंकि दीवार पे बहुत देर तक ग्रिप बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। इस पूरे वर्कआउट को करने में लगभग आपको 1.5 घंटा लगेगा, और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आपका शरीर मजबूत और बेहतर होता जाएगा, और साथ ही साथ ये टाइम भी घटता जाएगा। फिलहाल इसे करते हुए मुझे 40 दिन हो चुके हैं और मेरे शरीर में कहीं भी इंजरी नहीं है, क्योंकि मैंने इसे दिमाग से किया था, आराम से सोच के। यदि आप जल्दबाजी में करेंगे तो आप इंजरी कर लेंगे, तो बहुत ही सोच समझ के आराम से कीजिएगा। फिलहाल मेरे पास कोई वेइंग मशीन है नहीं, 1 हफ्ते बाद आ जाएगी, तब मैं आपको अपना अपडेट बताऊंगा कि 1 महीना इसको करने के बाद मैंने कितना वजन कम किया। तक मैं हूँ अजीत सिंह चौहान, और मैं ये आशा करता हूँ कि आपकी लाइफ लेजेंडरी हो जाए।